नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी पर ममता सरकार का तंज। जेपी नड्डा ने कहा चुनाव दूसरे राज्यों में भी हुए लेकिन वहां नहीं हुई हिंसा क्योंकि वहां नहीं थी टीएमसी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम को लिखा पत्र। राज्य को और चाहिए 3 लाख टन खाद। केंद्र ने जितनी स्वीकृति दी थी उसमें 57% आपूर्ति। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री झाबुआ जिले के एक दिवसीय दौरे पर। गृहमंत्री ने विभागीय कार्यों की ली समीक्षा बैठक। नवीन पुलिस आवास का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। डॉक्टर्स डे पर संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री ऑनलाइन करेंगे डॉक्टरों से संवाद। और राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात था जवान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबर विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की स्टेट वर्किंग कमेटी को संबोधित किया जिसमें उन्होंने राज्य में पार्टी की मजबूत मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में हम 3 से 77 सीटों तक पहुंचे हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के अलावा कोई रह ही नहीं गया। कई दशकों तक राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई है। वहीं चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा पर नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि तृणमूल ने अपनी विजय नहीं मनाई। उन्होंने विध्वंस की राजनीति शुरू कर दी। चुनाव तो केरल पुंडुचेरी असम तमिलनाडु में भी हुए लेकिन कहीं भी चुनाव के बाद हिंसा नहीं हुई क्योंकि वहां तृणमूल नहीं थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को खरीफ सीजन 2021 के लिए 1.5 लाख टन यूरिया और 1.5 लाख टन उर्वरक अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि केंद्र ने खाद देने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आदिवासी बहुल्य जिले झाबुआ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जहां मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने जिला मुख्यालय पर बने नवीन पुलिस आवास का उद्घाटन भी किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ उद्योगपति हैं और अगर वे कांग्रेस सरकार में विधायक कांतिलाल भूरिया को मंत्री बनाते तो जिले के विकास में तेजी आती। वहीं पुलिसकर्मियों के कार्यों की भी गृहमंत्री ने सराहना की है। हमारी सरकार ने पिछले 1 साल जितने कांस्टेबल थे उन सबको हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को एएसआई बनाया, एएसआई को एसआई बनाया, एसआई को टीआई बनाया और आज टीआई से एसडीओ भी होने की सूची भी जारी हो जाए। कमी आई है लेकिन एक भी घटना होती है तो चिंताजनक। क्रियाधीन है साप्ताहिक, देखो साप्ताहिक अवकाश की घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी। उनने 15 महीने में नहीं दिया, घोषणा ही करते रहे। उनकी जितनी घोषणा पत्र में घोषणा थी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करे, इसी तरह से उन्होंने ये कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं। अब उनने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करता। पर आपसे तो उम्मीदें हैं, हम उम्मीद को पूरी करें। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जारी बयान में कहा कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। साथ ही डॉक्टरों के साथ मिंटो हॉल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से डॉक्टर्स ऑनलाइन जुड़ेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों का धन्यवाद ज्ञापित कर उनसे संवाद भी करेंगे। इस दौरान मंत्री सारंग ने प्रदेश में नर्सों की हड़ताल को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, संवाद स्थापित करके सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वहीं मंत्री सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। देखिए, वायरस तो म्यूटेट होता ही है और वायरस के म्यूटेशन
के बाद कौन से वेरिएंट है, इसकी जांच के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से हम पालन कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि मध्य प्रदेश में हम टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ा ही रहे हैं। पीक जब कोरोना था उस समय भी मध्य प्रदेश में 70,000 से 80,000 रोज के कोरोना के टेस्ट होते थे, वो आज भी हो रहे हैं। और उसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो हमें सैंपल भेजना है उस प्रोटोकॉल का भी हम पूरी तरह से ध्यान रखे हैं। अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी तो निश्चित रूप से हम और जल्दी इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तीव्रता के साथ कर पाएंगे। राजधानी भोपाल के मंगलवारा थाना क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का नाम अजय सिंह सिंगर बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार मृतक जवान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात था। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वो थाना मंगलवारा पटेल नगर में किराए से रहते थे एक मल्टी में। देर रात उनके द्वारा अपनी सर्विस पिस्टल से सुसाइड कर ली गई है। सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण से ऐसा आत्मघाती कदम उठाया गया है। लगभग 6-8 महीने से वो CN सिक्योरिटी में पदस्थ थे और उनके साथीदारानों से पूरा पता कराया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। परिजनों से बातचीत की जा रही है। फैमिली के साथ रहते थे। फैमिली लगभग 8-10 दिन पहले अपने मायके गई हुई है। क्या कौन सी परिस्थितियाँ हैं और पूरी परिस्थितियों से बस इसकी पता लगाया जाएगा। सर साथ में कोई उस टाइम मौजूद था या उसके साथ रूममेट कोई रहता था या कोई मेंबर रहता था? नहीं, फैमिली रहती थी। लगभग 1.5 साल की उनकी बच्ची है और उनकी पत्नी साथ में रहती थी। मायके में कोई वो था, शादी विवाह का कोई कार्यक्रम था तो पता लगा हुआ है कि उसमें वो गई हुई हैं। और उनके जाने के बाद इनको भी छुट्टी पर जाना था लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। वो संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है, सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और कारण का पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का आरोपी जीतू पटवारी ने भाजपा कार्यकर्ता पर लगाया है। जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं। साथ ही जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर बरसते हुए बोले कि मुख्यमंत्री का नियंत्रण मंत्रियों पर नहीं रहा, क्योंकि गृह मंत्री नित्य मिश्रा कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि गोली मारकर आओ तो मैं तुम्हें लाइसेंस दूंगा। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी से भाजपा इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिवासी कांग्रेस के साथ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफियाओं भाग जाओ, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, नहीं टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पेड़ तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, क्या मालूम क्या क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको आत्मसात कर लिया, 10 फीट गड्ढा खोदा, 5 आदिवासी परिवार के साथियों को गड्ढे में गाड़ दिया, ऊपर से यूरिया भी डाल दी और नमक भी डाल दिया। ये मुख्यमंत्री जी की सरकार की कार्यशैली है और इस सरकार के लगातार पुलिस के संज्ञान में लाने के बावजूद लगभग 1.5 महीने तक उन पर कोई कार्रवाई, परिवार के आसपास के लोग उस परिवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाले परिवार के साथी बता रहे हैं कि इस व्यक्ति पे शक है हमें, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री उसको गिरफ्तार या पूछताछ नहीं होने देते। ये परिस्थिति मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत घरों या पंडालों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई को तय कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट और घरों में सिर्फ 2 फीट ही बब्बा की स्थापना की जा सकती है। जर्मनी, इटली और अमेरिका के बाद अब दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक इंदौर के पास पीथमपुर के
नेट्रेक्स में बनकर तैयार हो गया है। यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, वहीं इसकी सीधी लेन पर कोई लिमिट नहीं है। ट्रैक को बनाने में 512 करोड़ रुपए लगे हैं। राजगढ़ जिले के कनरवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कनरवास थाने के पास गांव दूधी में जुए का बड़ा कारोबार चल रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को कब्जे में कर लिया है। साथ ही ताश के पत्तों के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन सहित 2 आर्टिका गाड़ी, 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। वहीं गाड़ी की डिग्गी से आरोपियों के पास से कुल 28 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। कल रात में दूधी ग्राम थाना कर्मवास में एक दबिश दी गई थी। यहाँ पर करीबन 28 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे 3.5 लाख रुपए ये सब इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे। 3.5 लाख रुपए जब्त किया गया है। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं, रवि खटीक करनवास और विनोद साहू ब्यावरा, ये इसमें मास्टरमाइंड थे। इन्हीं के द्वारा ये जुआ संचालन किया जा रहा था। इनको भी इसमें दबोचा गया है और इनके पास से एक अर्टिगा गाड़ी मिली है, जिसके माध्यम से ये जो लोग जुआ खेल रहे थे, इनको शराब पिलाने का भी काम कर रहे थे। इस गाड़ी को भी धारा 34(2) में जब्त किया गया है। टोटल करीबन 25 मोबाइल भी यहाँ से मिले हैं, 4 फोर व्हीलर्स मिले हैं और 3.5 लाख रुपए के आसपास कैश बरामद किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। देवास के नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी संगठनों ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे जाम कर किया है। इसके साथ ही आरोपियों को संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और शासकीय नौकरी दिलवाने के नाम पर लोग अड़े हुए हैं। वहीं भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस प्रशासन जो है पूरा प्रचारित कर रहा है कि इस केस को हमने खोज के निकाला है। मैं यहाँ पर आरोप लगाता हूँ कि पुलिस को यहाँ का जो थाना प्रभारी है, वो आरोपियों से मिले हुए थे, उनको पता था कि ये बॉडी कहाँ पर गड़ी हुई है। केवल बलात्कार के साक्ष्य मिटाने के लिए 40 दिनों तक, इसके बाद कुछ कोई लेब उसकी जांच नहीं कर सकता है। बलात्कार के साक्ष्य मिटाने के लिए थाना प्रभारी और आरोपी जो दमंग यहाँ का स्थानीय विधायक आशीष शर्मा है, उसके दबाव में पुलिस प्रशासन ने कार्य किया। मैं केवल अपनी प्रथम मांग पर मांग करता हूँ थाना प्रभारी के ऊपर, आरोपियों के जैसे इनके ऊपर आरोप ये धाराएं उनके ऊपर भी लगाई जाए और जो स्थानीय विधायक आशीष शर्मा जी हैं उनके ऊपर भी, उनको भी सह आरोपी बनाया जाए। प्रदेश के रतलाम में वर्षों से तड़प रहे ग्रामीण आज भी पीने के पानी से वंचित हैं। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, यह बातें सरकार से लेकर सभी विभाग और विज्ञापन तक ही सीमित रहती है। जमीनी स्तर पर यह सब बातें बकवास नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ पानी के लिए वर्षों से तरस रहे ग्रामीण गांव नारायणगढ़ के हकीकत है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की नल जल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा की गई थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नारायणगढ़ से 8-10 लोग आए थे अपने यहाँ, तो पानी की टंकी के लिए उनको एसडीओ को भेज देंगे हम, वस्तु स्थिति से वो अवगत कराएंगे कैसा क्या है। यानी आसपास के गांवों को तो मिल रहा है ऐसा उन्होंने बताया था, तो उनकी जो समस्या उसको भी दिखवा लेंगे। क्या नाम है? कमलेश जाट नाम है मेरा। समस्या लेकर आए थे पानी को लेकर, क्या समस्या है? पीएचई विभाग में हम इसीलिए आए थे कि हमारे 2018 में मुख्यमंत्री पेयजल योजना द्वारा जो टंकी और नल की जो कनेक्शन आए थे, वो हमारे गांव में टंकी ना बनते हुए दूसरे गांव में बना दिए, और हमारे आज भी लोग गांव वाले सभी प्यासे हैं और 3 किलोमीटर दूर से मटके उठा उठा के पानी ला रहे हैं। अच्छा, नल जल योजना के तहत नल भी लगे गए थे, वहाँ पर क्या स्थिति? स्थिति यही है कि नल लगे हुए नहीं है, सिर्फ नलियाँ लगी हुई है और उनमें पानी 3 साल हो गए, और 3 साल में हमने 30 दिन भी पानी ढंग से ना पी सके उसका। कहाँ से लाते फिर ऐसे में पानी? 3 किलोमीटर दूर लाते हैं और जो सक्षम है वो 500 किलोमीटर जाके टैंकर द्वारा लाते हैं, जिसका रेट 800 रुपये है और पैसे देके पानी लाते हो। अभी कुछ दिन पहले राशि आवंटित होने के बावजूद अभी तक इस गांव में टंकी नहीं बनी है। जो टंकी बनी है वो यहां से 3 किलोमीटर दूर अन्य किसी गांव में बनाई है, जहां से ना तो इस यहां गांव में पानी आता है और हमेशा आए दिन पानी की यहां पर किल्लत रहती है। और इस विषय में हमने कई बार सेराना के पीएचई अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे मौखिक रूप से चर्चा की है, उन्होंने कई बार हमें आश्वासन दिया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इस बार हमने इस समस्या से त्रस्त होकर
11 जून को हम रतलाम कलेक्टर महोदय के पास गए थे, उन्होंने स्थिति से अवगत कराया हमें और उन्होंने हमें जांच करने का आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। उसके मध्य प्रदेश के रतलाम में एक किन्नर ने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी तो ड्राइवर ने लिफ्ट देने के बाद चाकू की नोक पर किन्नर के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार यह मामला 26 जून का है, जहां बिलपांग टोल पर किन्नर ने देर रात ट्रक चालक से लिफ्ट मांगी थी। आपको बता दें, हादसे के बाद किन्नर ने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं किन्नरों ने फरार ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। सर, आज चार दिन हो गए, आज मेरा चेहरा इतना परेशान चल रहा है, वहाँ पर आज चार दिन होने आ गए, अभी तक पुलिस ने किसी चीज़ का एक्शन नहीं लिया है। मेरे चेहरे की इतनी सीरियस तबियत, अभी भी आईसीयू रूम में भर्ती है वो, तो एक दिन जबरदस्ती जनरल वार्ड में भटका रखा, और वहाँ के डॉक्टर को जब वहाँ खुद मेडिकल वहाँ का पुलिस वाला कोई आता है वहाँ पे, तो पुलिस वाला भी मेडिकल करवाने नहीं आया। वहाँ के डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। जब हमने बोला कि सर इनका मेडिकल करवा दे, तो बोले काय का मेडिकल, कि इसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, तो बोले हमको तो मालूम ही नहीं है। जिसमें हमने चिल्ला के परसों के दिन भी मीडिया वाले भी आए, जब भी मालूम है कि भाई किस चीज़ का मैटर है। कल हमने उसका शाम को मेडिकल सारा कराया, उसकी दिमाग क्या हालत है, उसकी लाश पर उसका जिम्मेदार कौन है। ये घटना दिनांक 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग की है, रात करीबन 12:30 बजे, मीन्स 26 की लेट नाइट और 27 की सुबह की घटना है। एक किन्नर है जो मांगने आते थे बिलपांग टोल पर, और एक जो काजल है, इनके मेन गुरु, उनकी एक शिष्या है जो बिलपांग टोल पर दक्षिणा मांग के निकली थी। उन्होंने किसी एक ट्रक चालक हैं, ट्रक क्रमांक HR61C0390 चालक से लिफ्ट मांगी, और उनका था सालाखेड़ी के वहाँ उतार देना, तो उस चालक ने उनको उतारा नहीं और चाकू दिखाया, और सालाखेड़ी और नामली के बीच में ले जाके ट्रक रोक के उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जान से मरने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट हुई है। और पुलिस ने FIR वगैरह कर लिया? हाँ, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और उनको भर्ती कराया गया है, यहाँ उनका मेडिकल चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। कोरोना के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने के आसार हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ने इसकी सिफारिश की है, जिसमें करीब 20 बैठकें होंगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मानसून सत्र के दौरान पूरे संसद परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि सत्र में शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी होगी। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जून को बताया था कि मानसून सत्र की सारी तैयारियां हो गई हैं और 445 सांसदों को वैक्सीन भी लग चुकी है। साथ ही सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें भी जल्द लग जाएगी। आगरमालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डाक बंगले चौराहे पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के निर्देशन पर टीम गठित कर बताए गए स्थान डाक बंगले पर पहुंचकर आरोपी वसीम और उसके पिता सलीम सुसनेर को गिरफ्तार कर अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। दिनांक 29 और 30 जून की मध्यरात्रि को मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुसनेर का रहने वाला वसीम लाला इंदौर तरफ से बाबू बस में बैठकर आ रहा है। जो सुसनेर में उतरेगा, उसके पास एक काले कलर का बैग है, जिसके अंदर अवैध हथियार पिस्तौल और वो देसी कट्टा हो सकते हैं। जब हमने एक टीम इस आधार पर हमने एक टीम गठित की और उस टीम ने जो बाबू बस का इंतजार किया, बाबू बस जैसे ही सुसनेर में आई, वो वसीम लाला अपने बैग सहित बस से उतरा, उसकी घेराबंदी कर हमने पकड़ा और घेराबंदी के बाद उसके बैग को चेक किया तो उसमें 4 देसी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ। जब वसीम लाला से उसके लाइसेंस के बारे में पूछा तो उसने नहीं होना बताया। इस आधार पर वसीम लाला को गिरफ्तार किया गया है और धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। खबर भारत में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।